सैडली मैक डिवाइसेस पहले की तरह वायरस से सेफ नहीं रहे जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। हाँ, माना कि विंडोज के कंपैरिजन में इनके इन्फेक्ट होने के चांसेस तो काफी कम है, बट ये फिर भी होते हैं। अगर आपको आपके मैक में सडनली एड्स दिखने लगे या फिर अनरीजनेबली वो स्लो हो चुका है, देन इसके काफी हैवी चांसेस है कि उसमें मैलवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैक डिवाइसेस में मैलवेयर और वायरसेस को किस तरह से ढूंढना है ये पता करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहला सवाल, क्या मैक में वायरस आते हैं? काफी लोग आज भी ये मानते हैं कि जो मैक डिवाइसेस होते हैं वो वायरस से इम्यून होते हैं, बट फिर भी वो इन्फेक्ट हो ही जाते हैं। मैक डिवाइसेस में आने वाले मैलवेयर काफी डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है सिल्वर स्पैरो। सिल्वर स्पैरो जो है वो एप्पल के M1 चिप्स को सीधा टारगेट करता है। ये मैक ओएस इंस्टॉलर जावास्क्रिप्ट API को यूज करता है कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि अपने किसी सर्वर से हर घंटे बाबा कनेक्ट हो जाती है और आपके डेटा को शेयर करती रहती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है इसका यूज करके फ्यूचर में M1 वाले मैक मशीन्स पे बहुत बड़ा मेजर अटैक भी हो सकता है। इसके बाद आता है Piri/GoSearch22। मैक के M1 चिप्स पर सबसे पहले टारगेट करने वाला मैलवेयर Piri/GoSearch22 ही था, और इसकी वजह से आपके मैक डिवाइसेस में ऐसी ऐसी जगह पर आपको एड्स देखने को मिलते हैं जहां पर आपने पहले उसको कभी देखा भी नहीं होगा। इसके बाद आता है थीक्वेस्ट। आपके मशीन के फाइल्स एंड फोल्डर्स में जाकर आपके डेटा को चुरा लेता है, और जब आप इस मैलवेयर को नोटिस करेंगे तब ये आपको मैलवेयर जैसा दिखेगा ही नहीं, ऐसा दिखता है कि एक तरह का रैंसमवेयर है, बट ये किसी तरह की कोई रैंसम को डिमांड नहीं करता। और इसके बाद आता है लाउड माइनर। ये मैलवेयर एक तरह का बहुत ही डेंजरस क्रिप्टो माइनिंग ऐप है। इसे एक बहुत ही पॉपुलर ऐप एल्बर्टन लाइव के क्रैक वर्जन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मैक डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले है कि अपने मैक डिवाइसेस में अगर वायरस है तो आप उसको किस तरह से ढूंढ सकते हैं। इन सारे इन्फेक्शन में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि अगर आपने ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से अगर थर्ड पार्टी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, देन इसके काफी हैवी चांसेस हैं कि आपके मैक डिवाइसेस में वायरस आ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट्स के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल किया हो, और कुछ खास केसेस में पायरेटेड सॉफ्टवेयर को भी ब्लेम किया जा सकता है। सिंपल भाषा में, अगर आप ऐप स्टोर के अलावा किसी और वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते हैं तो देन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर कुछ टाइम में कभी कभी ब्राउजर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट्स होते रहते हैं, बट अगर आपने अपने मैक के ओएस को और अपने ब्राउजर को अपडेट रखा है देन आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, बट उसको डाउनलोड करने से पहले अगर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है देन आप सेफ हैं। इन केस हो सकता है आपने किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, या फिर किसी इलीगल मूवी स्ट्रीमिंग साइट पर जब आप गए हैं मूवीज देखने के लिए और उसको प्ले करने से पहले आपको इस टाइप के नोटिफिकेशन अगर आता है कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपने उसे इंस्टॉल किया है देन आप प्रॉब्लम में है। या फिर हो सकता है आपने इस टाइप के ईमेल्स पर क्लिक किया हो। सो सवाल ये है, क्या आपका मैक इन्फेक्टेड है? और अगर है तो उसको पता करने के तरीके क्या हैं? तो ये हैं कुछ साइंस इस चीज़ को पता करने के। नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड एड्स एंड पॉपअप्स। रिसेंट टाइम में एड्स जो है वो मैक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप भी सडनली अपने मैक डिवाइसेस पर एड्स देखने लगे हैं देन इसके काफी हैवी चांसेस हैं कि आपने कुछ ऐसा इंस्टॉल कर लिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरा तरीका है, बिना किसी रीजन के आपका डिवाइस अगर स्लो हो चुका है। कुछ मैलवेयर ऐसे होते हैं जो आपके मैक डिवाइस को बॉटनेट का एक पार्ट बना देते हैं, जो कि ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का, और अगर आपका मैक इन्फेक्टेड है देन हो सकता है कि बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ मिलकर वेबसाइट्स पर डीडॉस के अटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए बिटकॉइन माइनिंग, या फिर कुछ ऐसा टास्क जिसको करने के लिए ढेर सारे CPU पावर की जरूरत होती है। और अगर आपका जो मैक है वो बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा ही स्लो हो चुका है देन यही एक रीजन हो सकता है। तीसरा तरीका है पता करने का, वो है मैलवेयर स्कैनर। मान लीजिए आपका जो मैक है वो इन्फेक्टेड है देन ये टाइम है उसको चेक करने का। ये हैं कुछ फ्री प्रोग्राम्स जिनका यूज करके आप इस इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं। नंबर 1 पर है बिट डिफेंडर वायरस स्कैनर। ये इन्फेक्टेड फाइल्स को ढूंढ तो लेगा बट ये डिलीट नहीं करेगा। ये आपको एक तरह से पॉइंट आउट करेगा कि आप किस तरह से फाइंडर में जाकर इस फाइल को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 2, आप यूज कर सकते हैं मैलवेयर बाइट्स को। इसका जो मैक वर्जन है वो आपके पूरे कंप्यूटर को 30 सेकंड्स के अंदर स्कैन कर लेगा और सारे अनवांटेड एडवर्ट्स को भी रिमूव कर देगा। और 3rd है काम एवी का ही मैक वर्जन है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स मैलवेयर डिटेक्शन टूल है। तो ये तो बात हुई थी कि आप किस तरह से मैलवेयर को ढूंढ सकते हैं। तो ये वो तरीके थे आप किस तरह से मैलवेयर को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है वायरसेस को कैसे ढूंढा जाए। आपके मैक डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक तरह का डिफेंस सिस्टम डाला हुआ है जो आपको मैलवेयर इंस्टॉल करने से सेफ रखता है। ये पूरी तरह से फुल प्रूफ तो नहीं है बट ये काम कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले है इसमें गेटकीपर। गेटकीपर मैक का एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है। इसका मतलब ये है, अगर आप जब भी ऐप स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं देन उसको कंफर्म करने के लिए आपसे पासवर्ड वेरीफाई करवाता है, और अगर आप चाहें तो आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल होने से ब्लॉक करने के लिए। बट काफ़ी यूजर्स ऐसे हैं जो इस गेटकीपर को डिसेबल करके रखते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके उनको यूज़ कर सकें। दूसरा है सैंडबॉक्सिंग। अगर आप मैक के ऐप स्टोर से भी किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं देन उन ऐप्स के पास भी एक बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है आपके सिस्टम का। ये लिमिटेशन इसलिए होती हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपके डिवाइस के फोल्डर्स के साथ और फाइल्स के साथ छेड़खानी ना कर पाए।
और थर्ड फीचर है एक्स प्रोजेक्ट। ये एक एंटी मैलवेयर प्रोग्राम है जो शायद आपको भी पता नहीं होगा, बट आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल आता है। इसे मैक ओएस में ऐड किया गया था 2009 में। हाँ, विंडोज डिफेंडर की तरह ये आपको कहीं भी सेटिंग्स में दिखेगा नहीं, बट क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होता है बहुत सारे यूजर्स के लिए। आप ना इस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, ना इससे अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं, और ना ही इसको आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आपके डिवाइस में किसी तरह का नोन इन्फेक्शन आता है, देन ये आपको नोटिफाई जरूर करता है और आपको उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करने से भी रोकता है। सो फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि आपने मैक डिवाइसेस में आप वायरस और मैलवेयर को किस तरह से ढूंढ सकते हैं और किस तरह से अनट्रस्टेड वेबसाइट से आपको दूर रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।